हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेहद ही ऑथेंटिक पुराने ज़माने की जैसे कुल्फी खाया करते थे हमारे बुज़ुर्ग, बिल्कुल उसी तरीके की एकदम जानदार, हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया और घर में बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान इस कुल्फी को। ये कुल्हड़ वाली कुल्फी बनाने के लिए दोस्तों हमें लेना है एक पैन में आधा लीटर दूध। दोस्तों आधा लीटर की जगह आप एक लीटर भी ले सकते हैं अगर आप कुल्फी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितने लीटर दूध लेंगे उसकी आधी ही कुल्फी बनेगी। यानी कि अगर आपने 500 ml दूध लिया है तो आपकी 250 ग्राम के आसपास ही कुल्फी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो लिया था लगभग आधा किलो दूध और मैं इसको उबाल के कर दूंगा लगभग 250 ml। लेकिन उबालते मैंने कुछ प्रोसेसेस करने हैं, जिसमें मैं सबसे पहले अब चीनी ऐड कर रहा हूँ। मुझे लगभग चीनी ऐड करनी है 80 ग्राम से 100 ग्राम। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगा थोड़ा सा मिल्क, जिसमें मैंने केसर डुबा के रखा था हल्के से कलर के लिए। आपके पास घर पे केसर ना हो तो आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं डालूंगा इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, इसको थोड़ा थिक करने के लिए। आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप लगभग 2-4 मिनट एक्स्ट्रा उबाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से बहुत ही क्रीमियर, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है मिल्क पाउडर से। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से मैं गाढ़ा कर लूँगा और मैं उसको चलाता रहूँगा जब तक मुझे इसको 250 ml तक लेके जाना है। इसी दौरान दोस्तों मैंने इसमें कुछ कार्डमम यानी कि इलायची को ऐड करा है, ताकि इसमें इलायची की भी खुशबू आ सके। भाई वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर मेरा महक रहा है इसकी खुशबू से ही। इसको बॉयल कर दिया है मैंने दोस्तों अच्छे से। लगभग इस सारे प्रोसेस में मुझे 25 मिनट से आधा घंटा लगेगा। दूध को बॉयल करके गाढ़ा करना बहुत ही मेहनत का काम है। तो चलिए मैं इसमें अब कुछ बादाम डालूंगा, ताकि बादाम का फ्लेवर भी आए और सेहत के लिए तो बहुत अच्छी हो। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, हमारे बुज़ुर्ग इसको सेहत के लिए भी खाते थे। तो मैं अब इसमें डाल रहा हूँ बादाम, इसको और हेल्दी बनाने के लिए, और साथ ही में मलाई, जिसका निकलेगा इस कुल्फी के अंदर बढ़िया सा घी। तो चलिए, मैंने घर पर ही जो मलाई अवेलेबल थी उसको डाल दिया है। लगभग मेरी कुल्फी बनके तैयार हो गई है। इसमें मैंने बादाम, चीनी, केसर, मलाई, सारी इलायची, सारी ऐसी इंग्रेडिएंट्स डाली हैं जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं और टेस्ट के लिए भी। तो चलिए, मेरे को गाढ़ा मिक्सचर मिल चुका है मलाई का। तो मेरे पास घर में कुल्हड़ रखे थे, अगर आपके पास कुल्हड़ नहीं रखे हैं तो आप कटोरी या गिलास में भी इसको जमा सकते हैं। बढ़िया से ये बनके तैयार हो गया। जब तक ये बनके और ज़्यादा अच्छे से तैयार होती है, आपको बता दूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक जोड़ा है, जो दुनिया की सबसे आसान रेसिपीज़ का लिंक है। ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद हमारे YouTube पे चैनल पे जाना मत भूलना, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है दोस्तों। और इसको और क्रीमियर बनाने के लिए मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसको ब्लेंड करूँगा। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग ज़रूरी है, तभी इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगी और ये एकदम क्रीमियर बनेगी कुल्फी। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब समय आ गया है इसको मेरे को कुल्हड़ में पोर्ट करने का। आपके घर में ऐसे कुल्हड़ ना हो तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अब इसको गार्निशिंग करने के लिए आप ऊपर से थोड़ी सी बादाम या अलग ड्राई फ्रूट आपकी चॉइस का भी गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक डिस्पोजेबल ग्लास लेके इसकी कुल्फी भी जमाऊंगा। ये तो कुल्हड़ वाली हो गई। अब जो कुल्फी स्टिक बाज़ार में मिलती है या ब्रांड्स में मिलती है, वैसी भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके लिए मैंने दोस्तों एक डिस्पोजेबल ग्लास ले लेना है, लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से सील कर लेता हूँ, ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स ना जमें। इसको एयर टाइट करने के लिए दोस्तों मैंने ऊपर से फॉइल लगाई है और एक रबड़ से इसको एयर टाइट कर दिया है। भाई वाह, बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स ना जमने की गारंटी है। अब मार्केट की कुल्फी के लिए दोस्तों, भाई अब ले लेते हैं हम एक डिस्पोजेबल ग्लास। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ले लिया डिस्पोजेबल ग्लास। ये ग्लास में नहीं आपके घर हो तो कोई भी कांच का छोटा गिलास, चाय का गिलास ले सकते हैं, शेप ऐसी होगी तो बढ़िया रहेगा, या फिर आप अपने आइसक्रीम मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको भी फॉइल से कवर करूँगा, लेकिन मेरे पास लकड़ी की स्टिक नहीं है, तो स्टिक बनाने के लिए मैं घर का ही चम्मच भी ले लूँगा और उसको फॉइल की मदद से बीचों बीच सेट कर दूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने कैसे अच्छे से फॉइल लगा ली है, लेकिन अब चम्मच कैसे लगेगा, तो चलिए एक बार चम्मच की सेटिंग बिठाई जाए। चम्मच लगा दिया है बीचों बीच, फॉइल को फाड़ा है और ऐसे साइज लिया था मैंने फॉइल का, और उसी साइज की मदद से बीच में फाड़ के मैंने अब चम्मच लगा दिया है। भाई वाह, हो गई ना हमारी कुल्फी एकदम स्टिक वाली भी घर पर ही तैयार। अब इसको हम लगभग 4 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपका फ्रीज़र काफ़ी स्पीड है,
बढ़िया ठंडा हो रखा है तो बहुत जल्दी जम जाएगी। चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये बढ़िया सी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम मार्केट जैसी बढ़िया ऑथेंटिक घर पे जम के तैयार है। मैं तो भाई इसके लिए इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको खा लेता हूँ। आप देख लीजिए स्टिक वाली कुल्फ़ी भी कैसे बन के तैयार हुई है। और उसके बाद आप कहेंगे भाई घर में तो कुल्फ़ी बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चटोरा चलता हूँ दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस कुल्फ़ी का मज़ा ले सके। और आप भी गर्मी में ये बढ़िया कुल्फ़ी का जाइए और मज़ा उठाइए, क्योंकि घर पे बनाना है इसको बेहद ही ज़्यादा आसान। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे जाना मत भूलिएगा, Facebook चैनल पे हमारे डिलीशियस फूड को ज़रूर कर लीजिएगा फॉलो, और YouTube पे हमको ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम ऐसी ढेर सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। थोड़ी सी इस कुल्फ़ी को कर लेते हैं गार्निश और मैं चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखें।